सनी, एक दलित परिवार के चार सदस्यों को गोलियों से भुना गया, 9 गोली मारी गई, एक जिंदा कारतूस भी फॉरेंसिक टीम ने बरामद की है। रायबरेली में 4 लोगों के हत्या मामले में खुलासा, मृतक की पत्नी ने 18 महीने पहले की थी शिकायत, चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से जान का खतरा बताया था। अगल बगल के लोगों को कुछ नहीं पता चला? नहीं, वो तो बाद में आवाज से, गोली की आवाज से पता चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी, एसपी ने पुलिस टीम के साथ किया गठन, जल्द ही मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं, शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर किया जाए। अमेठी की घटना पर सीएम योगी सख्त, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी, यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। अमेठी में 4 लोगों की हत्या पर राजनीति शुरू, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों इशारों में यूपी सरकार को घेरा, पोस्ट कर लिखा, कोई है कहीं है। हत्याकांड पर सांसद किशोरीलाल शर्मा का बयान, दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, हम मामले के तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। दिल्ली में ड्रग्स के मामले में 5वीं गिरफ्तारी, अमृतसर एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी, यूके भागने की फिराक में था तुषार गोयल। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें दिल्ली में इस ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। दिल्ली में ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, बोले सुधांशु, मुख्य आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का पदाधिकारी, मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान। दिल्ली ड्रग्स केस में आरोपियों का कांग्रेस कनेक्शन आने पर बीजेपी हमलावर, बोले शहजाद पुनावाला, मोहब्बत की दुकान या फिर नशे का सामान। दिल्ली ड्रग्स केस में पुलिस डी कंपनी कनेक्शन की जांच में जुटी, जांच में दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम भी अब सामने आया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से दिल्ली के 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, मुंबई पुलिस उनके ड्रग पेडलरों के कनेक्शन की जांच में जुटी है। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित, कड़ी सुरक्षा के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, पिछले सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई कोई धार्मिक हस्ती नहीं। पीएम मोदी आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में होंगे शामिल, इस मौके पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित, 6 अक्टूबर तक चलेगा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना, कल मतदान होना है। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान बोले सीएम योगी, ड्रग माफिया हो या भू माफिया, सभी प्रगति में बाधक है। अयोध्या में आज बीजेपी का पिछला वर्ग सम्मेलन, केशव प्रसाद मौर्य और असीम अरुण होंगे शामिल, 15,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। और आज नए घर में शिफ्ट होंगे अरविंद केजरीवाल, अपना सरकारी बंगला खाली कर फिरोज शाह रोड पर होंगे शिफ्ट, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आज अपना घर खाली करेंगे। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मंत्री सुरेखा कोंडा के बयान को अश्विनी वैष्णव ने बताया महिला विरोधी, राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा राहुल की चुप्पी बताती है कि वो ऐसे बयान के समर्थन में है। बंगाल, मराठा और असमिया को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा इस फैसले से साहित्यिक सृजन, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारी भाषाएं समृद्ध होंगी। शास्त्रीय भाषा से जुड़े फैसले पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, पोस्ट कर लिखा, हमारी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटूट, ये सभी भाषाएं सुंदर हैं और देश की जीवंत विविधता को रेखांकित करती हैं।
पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। शास्त्रीय भाषा के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जताई खुशी। कहा, मराठी भाषा को यह दर्जा देना ऐतिहासिक फैसला। बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी देने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन, पीएम मोदी को धन्यवाद भी किया। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास ट्रेन हादसा, दिल्ली मुंबई रूट पर मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे, रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान में घुसा, हादसे में दो बच्चों सहित तीन की मौत, दो घायल। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि सोनभद्र में जो हादसा हुआ उस पर योगी ने दुख जताया, अधिकारियों को तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं। यूपी के रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस की छापेमारी, बिना लाइसेंस के घर के अंदर संचालित थी पटाखा फैक्ट्री, मुख्य आरोपी मुस्तकीम को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर मंदिर में दाखिल होने वाले तीन गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के शामली में एक बार फिर खाने में थूकने का मामला सामने, होटल में रोटी पर थूकता दिखा युवक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को ठगने वाले ऐप का किया भंडाफोड़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फुकरा इंसान, एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूर्वा झा को भी नोटिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, एयरपोर्ट पर 26 आईफोन के साथ पकड़ी गई महिला। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित, पुलिस के कड़े पहरे के बीच मूर्ति की स्थापना, शाही ईदगाह के पीछे बने पार्क में यह मूर्ति लगाई गई है। गणेश पूजन के साथ दिल्ली में लवकुश रामलीला की शुरुआत, लवकुश रामलीला इस बार होगी खास, मंचन में एआई तक का इस्तेमाल किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में विशेष दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण, अयोध्या के राम मंदिर के थीम पर बना पंडाल, लोगों के लिए अब आकर्षण का केंद्र बना। जबलपुर मंदिरों में एंट्री के लिए हिंदू सेवा परिषद का फरमान, साड़ी और सलवार सूट पहनकर ही मंदिर में आने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कलश स्थापना, गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का विशेष अनुष्ठान। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितता से जुड़े ईडी के मामले में राहुल धवन ने कोर्ट आज करेगी सुनवाई, कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर दरअसल इस पूरी सुनवाई को आज करने वाला है। तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट जांच को लेकर फैसला भी कर सकता है। लेबनान पर जारी है इजराइल का हमला, बेरूत पर किया अटैक में 9 की मौत, लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की है। लेबनान में इजराइल का हमला तेज, बेरूत में हमले के बाद आसमान में धुएं के काले गुबार। लेबनान से दूसरे देश के लोगों का देश छोड़ने का सिलसिला जारी, स्पेन की सेना ने लेबनान से अपने 200 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। उधर आगे बढ़ेंगे, लेबनान पर इजरायली हमले में चरमराई चिकित्सीय व्यवस्था, लेबनान के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों का संकट। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लिए जारी की चेतावनी, 20 से ज्यादा कस्बों को खाली करने की चेतावनी। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, 9 इजरायली सैनिकों की मौत, आईडीएफ ने कैप्टन बेन जियोन फलाज की फोटो भी जारी की। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मारे गए सैनिक की आईडीएफ ने जारी की तस्वीर, दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन के दौरान हुई थी मौत। हिजबुल्ला के खिलाफ जंग के बीच आईडीएफ चीफ का बयान, कहा, फिर से नहीं बसने देंगे हिजबुल्ला के ठिकाने, आतंक के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। आईडीएफ ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का नया वीडियो किया जारी, लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचों पर हमला कर रही आईडीएफ।
इसराइल पर पलटवार की तैयारी में जुटा इसराइल। आपको बता दें अमेरिका के साथ जल्द हो सकती है बातचीत, फिर ईरान पर हमला हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान का बयान, इसराइल का साथ देने वाले भी हमारे दुश्मन, ईरान और इसराइल युद्ध से दूर रहे बाकी सभी देश। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटिश एयरवेज ने 26 अक्टूबर तक लंदन और तेल अवीव के बीच उड़ानें निलंबित की हैं। उधर टोरंटो में लेबनान और गाजा के समर्थन में रैली, सड़कों पर इकट्ठा होकर इसराइल के ऑपरेशन का विरोध। हमास ने अलकुद्स के लोगों से किया आह्वान, आज फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में रैली निकालने की बात कही। इसराइल ईरान के जंग के बीच आज नमाज का नेतृत्व करेंगे आयतुल्ला खामेनेई। नसरल्ला की हत्या के बाद पहली बार प्रार्थना सभा में नजर आएंगे खामेनेई। प्रार्थना सभा को लेकर तेहरान में मेट्रो और बस कंपनियों ने फ्री की सेवा, शुक्रवार को प्रार्थना समारोह में हिस्सा लेने वालों के लिए ये मुफ्त सेवाएं। उधर गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का अभियान जारी, आईडीएफ ने गाजा में अपने ऑपरेशन का नया वीडियो जारी किया है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर सीरिया के दमिश्क में इजरायल का हमला, इजरायल के हवाई हमले में 3 की मौत, 3 घायल। लेबनान पर इजरायल के हमले तेज, जंग के बीच 100 कोलंबियाई नागरिक स्वदेश लौटे। आगे बढ़ेंगे जहां पर लेबनान पर इसराइल के हमले के बीच डब्ल्यूएचओ का बयान, कहा इजरायली हमलों में लेबनान के 28 स्वास्थ्य कर्मचारी अब तक मारे गए हैं। आपको बता दें कि तूफान क्रैंथॉन का असर देखा जाने लगा है, 2 की मौत हुई है, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस के बेटे मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, कहा वो मेरे पिता के पुराने दोस्त। वॉशिंगटन काउंटी के टेनेसी से मानवीय तस्वीर आई सामने, तूफान हेलन की तबाही के बीच 20 फीट की ऊंचाई पर फंसे कुत्ते का बचाव दल ने रेस्क्यू किया और उसे बचाया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर अमेरिका में चक्रवाती तूफान हेलन का असर जारी, अब तक 200 से ज्यादा की मौत, उत्तरी कैरोलिना में तबाही की सैटेलाइट इमेज भी अब सामने आई है। आगे बढ़ेंगे पूर्वी कॉर्गो में नाव पलटने से बड़ा हादसा, दुर्घटना में 78 लोगों की मौत, जबकि कई लापता, नाव पर 278 यात्री सवार थे।